आज की जनरेशन इतना ज्यादा मेंटली वीक होती जा रही है, अभी इनको खुद नहीं पता चल रहा। मेंटली वीक होने का मतलब उनका ब्रेन वीक होते जा रहा है, जिस वजह से वो ना ही स्ट्रेस हैंडल कर पा रहे हैं और ना ही अपने गोल अचीव कर पा रहे और ना ही अपनी हेल्थ अच्छी कर पा रहे हैं। तो फिर तो प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि उनको ये नहीं पता ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या फिर अच्छा खाना खाते हैं, तो इन चीजों से ब्रेन स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप सबको बताना चाहूंगा, आप गलत फहमी में हो। सिर्फ ये चीजों से ब्रेन स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि अच्छा खाने का मतलब वो खाना होता है जिसके अंदर ब्रेन के लिए भी फूड हो। आप अपनी बॉडी के लिए फूड तो देते हो, बट ब्रेन के लिए फूड नहीं देते। 90% इंडियन डाइट्स के अंदर वो फूड मिसिंग होता है। आई एम श्योर आपकी डाइट में भी मिसिंग होगा। तो मैं आपको बताऊंगा वो फूड कौन सा है जिसको कंज्यूम करने के बाद आपका ब्रेन बहुत ही ज्यादा शार्प हो जाएगा। सबसे पहले आपको बता दूं, ब्रेन हमारा 60% फैट से बना होता है और रेस्ट ऑफ 40% प्रोटीन, वाटर, सोल्ट एंड कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तो ब्रेन मेजोरिटी फैट से चलता है और 60% फैट में भी 40% इसमें अनसैचुरेटेड फैट होता है, जिसे हम कहते हैं गुड फैट, और ओमेगा 3 भी इसे बोल देते हैं। तो आपका हाफ ब्रेन ओमेगा 3 ही कंट्रोल करता है, तो सुपर फूड का नाम है ओमेगा 3। अगर आपको लग रहा है आप मिल्क पी रहे हो, वॉलनट्स खा रहे हो, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो या ऐसी कुछ चीजें जिनमें ओमेगा 3 होता है, तो आपकी डेली की रिकमेंडेशन पूरी हो रही है। तो आप सबको बताना चाहूंगा वेज डाइट के अंदर कंप्लीट ओमेगा 3 बहुत ही कम होता है, क्योंकि ओमेगा 3 तीन फैटी एसिड से मिलकर बनता है, ALA, EPA एंड DHA। ALA का नाम होता है अल्फा लिनोलिक एसिड, EPA का नाम होता है इकोसा पेंटोनिक एसिड एंड DHA का नाम होता है ग्लूकोसा हेक्सोनिक एसिड। ALA तो आपको डाइट से मिल जाता है, पर EPA एंड DHA बहुत ही ज्यादा मिसिंग हो जाता है। साइंस के हिसाब से अगर आपकी डाइट में ALA अच्छी अमाउंट में है तो वो बॉडी में ऑटोमेटिकली EPA एंड DHA में कन्वर्ट हो जाता है। बट साइंस ने ये भी स्टडी की है, ये सिर्फ 5% तक कन्वर्ट हो सकता है, EPA 5% तक और DHA तो 0.5% तक ही कन्वर्ट होता है। और डेली की ओमेगा 3 की रिकमेंडेशन होती है वीमेंस के लिए 1.1 ग्राम एंड मैन के लिए 1.6 ग्राम। तो अगर आप ओमेगा 3 1.6 ग्राम ले रहे हैं, उसमें से अगर EPA DHA मिसिंग है, कुछ लोग की नॉर्मल ओमेगा 3 की रिकमेंडेशन ही नहीं पूरी हो पाती, बट जिनकी पूरी हो पाती है उनमें EPA एंड DHA की कमी होती है, जिस वजह से ब्रेन को जिस फूड की जरूरत है वो उसे नहीं मिल पाता, तो वो अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाता। और ब्रेन का फंक्शन क्या है, हमारे थॉट्स को रेगुलेट करना, हमारी मेमोरी को शार्प करना, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना, हमारे हंगर को कंट्रोल करना और टेम्परेचर रेगुलेट और ब्रीदिंग, ऐसी बहुत सारी चीजें। और स्पेशली जो ब्रेन के अंदर ग्लैंड्स होती है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पाइनल ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड भी अच्छे से काम नहीं कर पाती, जिस वजह से पूरी बॉडी में जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो भी अच्छे से नहीं हो पाते। उल्टा जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जैसे कि कोर्टिसोल, ये ज्यादा रिलीज हो जाते हैं। जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जैसे कि डोपामिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, इनकी सिक्रेशन बहुत ही कम हो जाती है, जिस वजह से आपकी बॉडी को ना ही प्रॉपर नींद आती है और ना ही आपकी रिकवरी हो पाती है, तो ब्रेन कैसे आपका फ्रेश होएगा। तो सिर्फ एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन से सब कुछ नहीं होएगा, तो आपको अपने ब्रेन को ओमेगा 3 फीड कराना पड़ेगा। अब मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ किन चीजों में ओमेगा 3 कितना कितना होता है और कितना आप कंज्यूम कर सकते हो। सबसे पहले वेजिटेरियन के ऊपर आता हूँ। अगर आप वॉलनट्स खा रहे हो, नॉर्मल डेली की रिकमेंडेशन पूरी करने के लिए आपको दिन में 5 से 6 वॉलनट्स खाने पड़ेंगे, बट इसमें EPA एंड DHA आपको बहुत ही कम मिलेगा, उसकी रिकमेंडेशन आपकी पूरी नहीं हो पाएगी, बट ओमेगा 3 की हो जाएगी। मैंने बताया था ओमेगा 3 तीन फैटी एसिड से मिलकर बनता है, ALA, EPA एंड DHA। ALA तो आपका रिकवर हो जाएगा, वो थोड़ा बहुत आपकी बॉडी में EPA एंड DHA बना देगा। और अगर आप फ्लैक्सीड ऑयल 1 to 2 tablespoons कंज्यूम करते हो, इससे भी आपका ओमेगा 3 अच्छी अमाउंट में पूरा हो सकता है। और फ्लैक्सीड ऑयल के साथ चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, सिसमे सीड्स, इन सब में भी ओमेगा 3 अच्छी अमाउंट के अंदर होता है। इनमें से आप कोई भी सीड पिक कर सकते हो या इनका ऑयल पिक कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे। अब बात करें नॉन वेजिटेरियन फूड्स के अंदर, तो फिश इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ओमेगा 3, उसमें EPA भी होता है और DHA भी होता है, बट बहुत लोग डेली फिश नहीं खा सकते, तो मेरे लिए आप दोनों के लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, जिससे आप अपना EPA DHA पूरा कर सकते हो, मतलब कि कंप्लीट ओमेगा 3 पूरा कर सकते हो। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, एक एल्गे प्लांट होता है जो समुंदर के अंदर बहुत ही नीचे जाकर ये पाया जाता है, जो समुंदर के अंदर मछलियां होती है यानी कि फिश होती है, वो इसे खा के अपना EPA DHA पूरा करते हैं, फिर उसके बाद वो ह्यूमंस को मिलता है। तो वो प्लांट आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। वो प्लांट आपको कैसे मिलेगा, एल्गे नाम का ऑयल आपको मार्केट से मिल जाएगा जिसे कहते हैं एल्गे ऑयल। इसका अगर आप 1 से 2 स्पून भी डेली कंज्यूम करते हो आपके लिए सफिशियंट होगा। कुछ लोगों ने ये प्लांट कभी सुना नहीं होगा, अगर आपने सुना है तो इजिली आपको मार्केट से नहीं मिल सकता, तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा। डेली 1 स्पून आपने अपनी डाइट में ऐड करना है एल्गे ऑयल। बट अगर आपको ये नहीं मिल पा रहा तो आप यहाँ सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हो। सप्लीमेंट बिल्कुल सेफ होता है, इवन आप एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे, आप रेस्ट ऑफ लाइफ सप्लीमेंट कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपकी बॉडी को डेली वाटर चाहिए होता है, वैसे आपकी बॉडी को डेली ओमेगा 3 भी चाहिए होता है। सप्लीमेंट कोई स्पेसिफिक
आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बस आपने एक चीज का ध्यान देना है, जब आप सप्लीमेंट को घुमाकर देखोगे उसके पीछे न्यूट्रिएंट फैक्ट्स लिखे होते हैं, जिसके अंदर ओमेगा 3 कम से कम 1000 mg होना चाहिए, मतलब कि 1 ग्राम, और उसके अंदर ईपी एंड डीएचए मिनिमम 250 mg to 500 mg होना चाहिए, मतलब कि 250 mg से 500 mg तक ईपी एंड डीएचए कंबाइन होना चाहिए, तभी वो सप्लीमेंट का फायदा होगा आपको। कुछ सप्लीमेंट्स के पीछे अगर ईपी एंड डीएचए मेंशन नहीं है तो उसे आप परचेज मत करना, इवन वो मार्केट में जितना मर्जी बिकता हो या उसकी जितनी मर्जी एड आपने देखी हो। ईपी एंड डीएचए बहुत जरूरी होता है। कोई भी अच्छी कंपनी अगर वो सप्लीमेंट्स के अंदर एड कर रही है तो डेफिनेटली वहाँ न्यूट्रिशन फैक्ट्स के अंदर वो मेंशन करेगी, बट अगर ये बहुत ही कम हुआ तो वो मेंशन नहीं करेगी। तो ये चीज का ध्यान देना, जब आपने सप्लीमेंट परचेज करना है तो वहाँ उसमें ईपी एंड डीएचए होना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो एल्गो ऑयल का ही सप्लीमेंट आता है, वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फिश ऑयल कंज्यूम कर सकते हो, उसमें आपको कंप्लीट ओमेगा 3 मिल जाएगा। बस आपने एक चीज का ध्यान देना, अगर कोई सप्लीमेंट के ऊपर रेड साइन है इसका मतलब वो नॉन वेजिटेरियन है, अगर ग्रीन साइन है तो वो वेजिटेरियन है। कुछ लोग फ्लैक्सीड सप्लीमेंट भी कंज्यूम करते हैं, उसमें भी ईपी एंड डीएचए बहुत ही कम होता है। बस आपने ध्यान देना है उसमें एल्गो ऑयल जरूर मेंशन हो। अगर एल्गो ऑयल किसी भी सप्लीमेंट के अंदर है, स्पेशली वेजिटेरियन के अंदर, तो इट मींस वो कंप्लीट ओमेगा 3 है। तो ये थी मेरी वीडियो ब्रेन सुपर फूड के ऊपर, जिसका नाम है ओमेगा 3। डेफिनेटली इसे कंज्यूम करने के बाद आपका ब्रेन बहुत ही ज्यादा अच्छे से फंक्शन करेगा, जिस वजह से आपको फर्स्ट डे से ही अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, इवन आपके थॉट्स के अंदर, जिस वजह से आप अपने सभी गोल्स एंड जितना मर्जी आपको स्ट्रेस हो सब कुछ आप अच्छे से हैंडल कर सकते हो, और आप अपनी हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। इवन आपने फैट कम करना है, मसल गेन करना है, सिर्फ एक फूड आपकी बहुत हेल्प कर देगा। तो ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसी और वीडियोस चाहते हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, वहां अपने मैं पर्सनल वर्कआउट की वीडियोस डालता हूँ, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।